पर ये आया है कि क्या जुमा के दिन अगर किसी का इंतकाल हो जाए या जुमा की रात यानी थर्सडे को जुमे रात को अगर किसी का इंतकाल हो जाए मगरिब के बाद या जुमा के दिन में इंतकाल हो जाए तो क्या उस आदमी को आजाद कब्र नहीं होगा। ये एक साहब ने व्हाट्सएप पर मुझसे सवाल किया है, उसका जवाब ये है कि तिर्मिजी के अंदर एक सही रिवायत है, अल्लामा अल्बानी ने इस रिवायत को सही करार दिया है कि मन माता लैलतुल जुमा जो जुमा की रात में इंतकाल कर जाए या जुमा के दिन इंतकाल कर जाए तो वो कब्र के फितने से महफूज होगा। इस हदीस को अल्लामा अल्बानी ने सही करार दिया, हदीस सही है। हदीस का मतलब यह है कि अगर इंसान का ईमान दुरुस्त है, इंसान का अकीदा दुरुस्त है, इंसान का अमल दुरुस्त है और उसका खात्मा जुमेरात या जुमा को हो रहा है तो वो आजाद कब्र से महफूज रहेगा। इसका यह मतलब नहीं कि इंसान चाहे जो करे और जुमा के दिन मर गया तो वो कब्र के अजाब से महफूज रहेगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि जुमा के दिन या जुमा की रात में इंतकाल होना अच्छे खात्मे की निशानी है। अगर किसी का इंतकाल जुमा की रात या जुमा के दिन होता है तो हम कह सकते हैं कि उसका खात्मा अच्छा हुआ है, शर्त यह है कि उसका ईमान और अकीदा सही ना हो। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर गौर करने, अमल करने और कुरान करीम से अपना ताल्लुक जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।